अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल ओवरव्यू डिस्कस कर लिया था हर्नियाज का, अब हम इनगुइनल हर्नियाज को डिस्कस करेंगे। हर्निया का मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर जो किसी नॉर्मल कैविटी से प्रोट्रूड कर जाए थ्रू एनी एबनॉर्मल ओपनिंग और जाते जाते उस कैविटी की लाइनिंग्स को, जितनी भी वॉल की लाइनिंग्स हैं, लेयर्स हैं, उनको अपने साथ ले जाए, अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग बना कर ले जाए, उसको हम हर्निया कहते हैं। लेकिन आप इनगुइनल हर्निया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्निया और जो एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनगुइनल हर्निया। ठीक है, इनगुइनल हर्निया क्या है कि कोई भी एब्डोमिनल जो कंटेंट है, नॉर्मल एब्डोमिनल कंटेंट है, अगर वो प्रोट्रूड कर जाए इनगुइनल केनाल के ज़रिए से, तो उसको हम लोग इनगुइनल हर्निया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा इनगुइनल केनाल के ज़रिए से वो स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा होता है, तो आपको बाउंड्रीज ऑफ इनगुइनल केनाल का पता होना चाहिए। ठीक है, इनगुइनल केनाल हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, मैं इसको रफ सी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ पे करके इनगुइनल केनाल पड़ी हुई होती है। ठीक है, इनगुइनल केनाल होती है, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये जो रिंग होती है हमारे पास, इसको हम लोग डीप रिंग कह रहे होते हैं, और एक रिंग यहाँ पर होती है जिसको हम लोग सुपरफिशियल रिंग कह रहे होते हैं। डीप रिंग को हम लोग इंटरनल रिंग भी कहते हैं, सुपरफिशियल रिंग को हम लोग एक्सटर्नल रिंग भी कहते हैं। ये रिंग्स क्या होती हैं और इनका पर्पस क्या है? मेनली हमारे पास क्या होता है, इस केनाल का काम ये होता है कि ये आपका एब्डोमिन है ना, इसको नीचे कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ, स्क्रोटम के साथ। मेनली जो मेल्स होते हैं उनके अंदर आपको पता है टेस्टीज जो होती हैं वो एब्डोमिन के अंदर बन रही होती हैं, वो स्क्रोटम में नहीं बनती, वो बनती है एब्डोमिन में, फिर यहाँ से डिसेंड करके टेस्टीज ने स्क्रोटम में जाना होता है। तो ये जो केनाल है ये रखी गई है ताकि एब्डोमिनल कैविटी का और स्क्रोटम का आपस में कनेक्शन एक डिवेलप हो, और वहाँ से जो टेस्टीज हैं वो डिसेंड करके स्क्रोटम में जा सकें आसानी से। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। ये वो लेयर्स जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसमें सबसे ऊपर स्किन आती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल आता है, इंटरनल ओब्लीक मसल आता है, फिर ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल आता है, उससे नीचे ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आता है, फिर पेरिटोनियम आ जाती है, और फिर पेरिटोनियम के अंदर आपको पता है जो भी कंटेंट्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, शायद मैं प्रीवियस वीडियो में ये ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस बोलना भूल गई थी, मैंने इंटरनल ओब्लीक के बाद डायरेक्टली ट्रांसवर्सैलिस फेशिया बोल दिया था मेरे ख्याल से, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है इसको। अच्छा, इसके अलावा अब देखें कि ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ना, इनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, वो जो रिंग्स मैंने आपको दिखाई ना कि एक सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग होती है, एक डीप इनगुइनल रिंग होती है, वो रिंग्स जो होती हैं वो बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं। जो आपके पास सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग है ना, वो एक्सटर्नल ओब्लीक के अंदर, एक्सटर्नल ओब्लीक का जो एपोन्यूरोसिस है उसके अंदर ओपनिंग होती है। ठीक है, और जो डीप रिंग होती है हमारे पास, वो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के अंदर एक डिफेक्ट होता है या ओपनिंग होती है इस ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के अंदर। कि आपके पास एक और पिक्चर है इनगुइनल केनाल की, इसमें उसने क्या शो किया हुआ है कि जो इनगुइनल केनाल होती है ना, उसकी एक एंटीरियर वॉल होती है, अब मैं बाउंड्रीज बता रही हूँ, एक पोस्टीरियर वॉल होती है, जो एंटीरियर वॉल होती है ना वो मिलकर बनती है एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस, जो मैं आपको पहले दिखा चुके हैं। इसके अलावा जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो हमारे पास मिलकर बनती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, और इसकी सुपीरियर जो बाउंड्री होती है वो कंजॉइंट टेंडन से बनती है। अब कंजॉइंट टेंडन कैसे बन रहा होता है हमारे पास, जो हमने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल ओब्लीक मसल का एपोन्यूरोसिस है, फिर इंटरनल ओब्लीक आ जाता है। लेट्स सपोज ये एक्सटर्नल ओब्लीक है, ये इंटरनल ओब्लीक है, उससे नीचे हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल आ जाता था। तो जो इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल के टेंडन्स हैं वो मिलकर कंजॉइंट टेंडन बना रहे होते हैं। इस इनगुइनल केनाल की सुपीरियर बाउंड्री कंजॉइंट टेंडन से ही बन रही होती है, और इंफीरियर बाउंड्री जो है वो इनगुइनल लीगामेंट से बन रही होती है। इनगुइनल लीगामेंट हमारे पास एक लीगामेंट है, जो मैं नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये आपके पास इनगुइनल लिगामेंट बना हुआ है, इनगुइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू हो रहा है, प्यूबिक ट्यूबरकल तक जा रहा है, ये है इनगुइनल लिगामेंट। और इंफीरियर बाउंड्री ऑफ इनगुइनल केनाल इसी से बन रही होती है। एंटीरियर बाउंड्री कैसे बन रही होती है, जो एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस है उससे बनती है, पोस्टीरियर बाउंड्री फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, सुपीरियर बाउंड्री बनती है कंजॉइंट टेंडन से, कंजॉइंट टेंडन से, और इंफीरियर बाउंड्री ये इस इनगुइनल लिगामेंट से बन रही होती है। फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये इनगुइनल केनाल यहाँ पर शो की हुई है, नीचे ये क्या है इनगुइनल लिगामेंट शो की हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर बाउंड्री की हम बात कर चुके हैं।
अब इसमें से कंटेंट कौन सा गुजरा होता है, इस इनग्वाइनल केनाल का पर्पस क्या है? एक पर्पस तो मैंने आपको बता दिया कि टेस्टीज जो होती हैं वो इसमें से डिसेंड कर रही होती हैं, लेकिन इसके रिमेनिंग पर्पसेस क्या होते हैं? एडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ये इनग्वाइनल केनाल 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है और इसके साथ साथ मीडियल है, डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रही है और मीडियली जा रही है। और ये है हमारे पास डीप रिंग और ये वाली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर ये जो सुपरफिशियल है और डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये तकरीबन ये दोनों रिंग्स जो होती हैं ना वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होती हैं। मेल के अंदर क्या होता है, इंग्वाइनल केनाल का पर्पस क्या है कि इसने स्पर्मेटिक कॉर्ड को ट्रांसमिट करना होता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व को करना होता है और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व को करना होता है, SIG। ये तीन कंटेंट्स होते हैं जो कि इस इंग्वाइनल केनाल से पास कर रहे होते हैं मेल के अंदर। एक हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इलियो इंग्वाइनल नर्व है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व है। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड तो फीमेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में एक लिगामेंट होता है, दैट इज़ राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट होता है यूट्रस का, और ये आपका जो इंग्वाइनल केनाल है फीमेल्स के अंदर उसके अंदर से राउंड लिगामेंट पास कर रहा होता है, राउंड लिगामेंट यूट्रस से लेबिया मेजोरा तक। फीमेल्स में तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता, फीमेल्स में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, तो यूट्रस से हमारे पास जो लेबिया मेजोरा है वहाँ तक राउंड लिगामेंट जा रहा होता है, पासिंग थ्रू दिस इंग्वाइनल केनाल। अच्छा, अब ये जो हमने बात की यहाँ पर समझ लें कि ये आपकी क्या थी, ये इंग्वाइनल केनाल उसने ये यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है, ये वाली क्या है, इंग्वाइनल केनाल उसने शो की हुई है। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये वाली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग मेनली एक ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, और ये आपके पास प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, उसके 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पड़ी हुई थी। ये लोकेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए, एनाटॉमी भी इसकी पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग आ जाती है, जो डीप ये पड़ी है डीप इंग्वाइनल रिंग। जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। अगर इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये वाला इंग्वाइनल लिगामेंट है जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, यहाँ तक इंग्वाइनल लिगामेंट, ये सारा इंग्वाइनल लिगामेंट है। अगर आप मिड पॉइंट ले लें इंग्वाइनल लिगामेंट का, तो इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट के, ये मिड पॉइंट है इंग्वाइनल लिगामेंट का, उसके 1.25 सेंटीमीटर ऊपर हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग पड़ी हुई होती है, ये वाली, और ये एक ओवल सी ओपनिंग है। होप सो इट विल बी क्लियर नाउ। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। इंग्वाइनल केनाल की आपको पता होनी चाहिए एनाटॉमी क्या है, इंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से बन रही होती है, पोस्टीरियर वॉल फेशियल ट्रांसवर्सलिस से बन रही होती है, जो आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग है वो एक ओपनिंग होती है ट्रांसवर्सलिस फेशिया के अंदर, और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है या जिसको हम लोग एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग भी कहते हैं, वो ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें से इंग्वाइनल केनाल जो है उसमें से स्ट्रक्चर कौन कौन से गुजरे होते हैं, मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरा होता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व गुजरती है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व गुजरती है, फीमेल में इसकी जगह पे स्पर्मेटिक कॉर्ड की जगह पर राउंड लिगामेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो लोकेशन मैंने आपको बताई कि ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इसके 1.25 सेंटीमीटर अबव और मीडियली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है, और जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके मिड पॉइंट के 1.25 सेंटीमीटर ऊपर डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया क्लियर, मैं बुक से दिखाती हूँ इसको। जो पॉइंट हमारा रहता है वो ये है कि मेल में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड में 3 C से याद रखना है कि 3 इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, 3 इसके अंदर नर्व्स होती हैं, और 3 जो है वो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 आर्टरीज को आप टेस्टिकुलर CV से याद रख सकते हो, टेस्टिकुलर CV का मतलब टेस्टिकुलर से टेस्टिकुलर आर्टरी, C से क्रीमेस्टेरिक आर्टरी होती है, और V से हमारे पास वास डेफरेंस गुजर रही होती है, ठीक है, आर्टरी टू वास डेफरेंस, 3 आर्टरीज में आर्टरी टू वास डेफरेंस। इसके अलावा 3 जो नर्व्स होती हैं उसको आप GIT से याद रख सकते हो, GIT इज अ निमोनिक, G से जेनाइटोफेमोरल नर्व, I से इलियो इंग्वाइनल नर्व, और T से T10 सिंपैथेटिक नर्व। 3 अदर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आ जाता है ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, पपिनीफॉर्म वीनस प्लेक्सिस, ठीक है, वेन्स का प्लेक्सिस होता है ये मेनली, और वास डेफरेंस इट्सेल्फ, ये चीज़ें गुजर रही होती हैं 3 अदर स्ट्रक्चर्स में से। बाकी हमने इंग्वाइनल केनाल को पढ़ लिया।
ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग का मैंने बता दिया, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री, इंग्वाइनल कैनाल पढ़ ली। इसके अलावा हमने कंटेंट्स पढ़ ली इंग्वाइनल कैनाल के, और फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड के कौन से कंटेंट्स होते हैं इसको भी हमने देख लिया। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो ये कहता है कि जैसे मैंने आपको ओपनिंग दिखाई ना पिक्चर में, कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ओपनिंग है, और इसके अलावा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ओपनिंग है, जिसको हम लोग फिर नॉट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड नॉट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर बाउंड्री जो इंग्वाइनल कैनाल की दिखाई उसमें एक ओपनिंग है, ठीक है, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन वो कहता है स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रस्ट्रेशन है कि उनको ये रिंग्स ओपनिंग्स के तौर पर नहीं मिल पाती। जाहिर सी बात है, मैंने कहा ये रिंग्स जो हैं वो डिफेक्ट्स ही हैं, मेनली डिफेक्ट्स कह लें या ओपनिंग्स कह लें वॉल्स के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स को ये रिंग्स एज ओपनिंग्स नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? कहता है आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हो, अगर आपने ग्लव्स देखे हो, ग्लव्स के अंदर हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, वो ओपनिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, जब ग्लव्स ऐसे ही पड़े हैं वो ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ से आपने फिंगर्स इंसर्ट करनी होती हैं, दीज आर ओपनिंग्स, ठीक है। लेकिन जब आप उसके अंदर फिंगर्स अपनी इंसर्ट कर लेते हो उन ओपनिंग्स के अंदर, तो फिर तो वो ओपनिंग्स, दोज ओपनिंग्स आर नो मोर विजिबल नाउ। बिल्कुल ऐसा ही डीप और सुपरफिशियल रिंग के साथ भी होता है। आपको पता है कि ये एंटीरियर अगर वॉल है इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल की एंटीरियर वॉल है, इसके अंदर हमारे पास जो ओपनिंग है ट्रांसवर्सलिस एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के अंदर जो ओपनिंग है उसको हम लोग सुपरफिशियल रिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के अराउंड ये एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस इसके अराउंड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजर के जा रहा होता है, तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड भी ये एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, फॉर एग्जाम्पल ये सारा एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस था, जब स्पर्मेटिक कॉर्ड इस ओपनिंग में से गुजरता है तो उसके अराउंड भी हमारे पास ये एक्सटर्नल ओब्लिक जो है वो इस तरह चला जाता है, यूँ लगता है फिर, फॉर एग्जाम्पल ये फिर एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस की मिसाल ये ग्लव्स के जैसी, और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है अंदर फिंगर की तरह, तो आपको ये नो मोर विजिबल, ये ओपनिंग आपको विजिबल नहीं होगी एज ओपनिंग, ठीक है, ये रिंग एज ओपनिंग विजिबल नहीं होगी। इसी तरह आप कंसीडर करें कि हमारे पास ये है पोस्टीरियर जो बाउंड्री है आपकी इंग्वाइनल रिंग की, वो किससे बन रही होती है? ट्रांसवर्सलिस फेशिया से बन रही होती है, उसके अंदर एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? डीप रिंग कह रहे होते हैं। लेकिन ये ओपनिंग है, लेकिन जब इसमें से, आपको पता है कि जब इसमें से भी स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरेगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ से गुजरा है? एब्डोमेन में से गुजरा है, ठीक है। ये आपके पास इंग्वाइनल कैनाल है ना, ये डीप रिंग है, ये सुपरफिशियल रिंग है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? ये डीप रिंग में से गुजरता है, फिर इंग्वाइनल कैनाल में से गुजरता है, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में से गुजरता है। अब ये जो मैंने आपको ये पोस्टीरियर वॉल ड्रॉ की हुई है इंग्वाइनल कैनाल की, उसके अंदर मैंने ये ओपनिंग कौन सी ड्रॉ की हुई है? डीप रिंग ड्रॉ की हुई है। जब इसमें से स्पर्मेटिक कॉर्ड यूँ गुजरेगा, ठीक है, आपका ये सारा क्या है? ये सारा ट्रांसवर्सलिस फेशिया, ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया डीप रिंग के अराउंड भी प्रेजेंट है, मार्जिन पर भी प्रेजेंट है। जब स्पर्मेटिक कॉर्ड इसमें से गुजरता है, तो ये सारा जो आपका ट्रांसवर्सलिस फेशिया है ये भी इसके अराउंड यूँ आ जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही आ गया कि ग्लव्स के अंदर आपने फिंगर्स डाली हुई हैं, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स को ये चीज़ एज ओपनिंग्स नहीं मिलती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। थैंक यू वेरी मच।